नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास में सिंधु सभ्यताकालीन धर्म और समाज के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतवर्ष की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता ताम्र कांस्य कालीन शहरी सभ्यताओं में संपूर्ण विश्व में अपना अनूठा स्थान रखती है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं इसे भारतीय संस्कृति को अत्यंत प्राचीन सिद्ध करती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत भूमि पर प्रकट होने वाली सर्वप्रथम सुविकसित सभ्यता मानी जाती है। यह वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन थी। जब लोह सभ्यताएं अपने भविष्य के गर्भ में थी, तभी यहाँ अनेक सभ्य बस्तियों का विकास हो चुका था। सिंधु सभ्यता की खोज 1920 में हड़प्पा नामक स्थान से शुरू हुई। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब तथा भारत के मध्य गंगा घाटी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। इसी प्रकार अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और राजस्थान तथा मेरठ तक इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। अनेक स्थलों से हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों से सिंधु सभ्यता के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जनजीवन के बारे में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इस सभ्यता का संपर्क समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से भी व्यापार के माध्यम से बराबर बना रहा। ऐसे साक्ष्य भी हमें यहाँ की खुदाइयों से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक धार्मिक विश्वासों के बारे में भी अनेक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोग किस धर्म के थे, किन लोगों ने इसका विकास किया, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, उनके बारे में यद्यपि सिंधु सभ्यता में कोई भी लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी लिखी हुई सामग्री मुहरों और मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त हुई है, उन मुहरों पर लिखी हुई लिपि को अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हुआ है। परंतु फिर भी विश्व के अनेक पुरावेता ये मानते हैं कि सिंधुकालीन सभ्यता का धर्म और उनके धार्मिक विश्वास आधुनिक भारत के हिंदू धर्म से मिलते जुलते ही थे। इसके लिए वो इन मोहरों पर प्राप्त चिन्हों, आकृतियों और साक्ष्यों के द्वारा ऐसा अनुमान व्यक्त करते हैं। सिंधु वासियों द्वारा मंदिरों में पूजा उपासना करने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है और न ही सिंधु सभ्यता की खुदाई में मंदिर जैसा कोई भी ढांचा अभी तक कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके आधार पर
निश्चित रूप से उनके धार्मिक विश्वासों को ठीक ठीक समझ पाना अत्यंत दुरूह कार्य है, परंतु फिर भी एक रूपरेखा वहाँ के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि उनके धार्मिक विश्वास और मान्यताएं आज के हिंदू धर्म के विश्वास और मान्यताओं से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिली मुद्राएं लिंग, योनियां एवं मातृ देवी की मूर्तियां सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करती है, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता के निवासी प्रजनन शक्तियों की परिचायक शक्तियों की पूजा देवी देवताओं के रूप में करते थे। खुदाई में प्राप्त एक मुद्रा पर तीन मुख वाला ऊर्ध्वलिंग व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस व्यक्ति के सिर पर दो सींग बने हुए हैं, उनके बीच में एक पंखेदार आकृति का तिकोना मुकुट धारण किया हुआ है। इस योगी के गले में तिकोनी माला है और हाथों में ऊपर तक मणियों की लड़ियां हैं। योगी के निकट हाथी, चीता, गेंडा और भैंसे की आकृतियां बनी हुई है और उनके आसन के नीचे हिरणों का एक जोड़ा बना हुआ है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर एक शब्द अंकित है जिसे पढ़ा जाना संभव नहीं हुआ है, परंतु बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का ही है, क्योंकि शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक और त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। इस योगी के साथ शिव के विशिष्ट वाहन नंदी का कोई अंकन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं यह प्रतिमा संभवतः भगवान शिव की नहीं है अपितु विश्व रूप त्वष्टा की है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद से प्राप्त होती है। वहाँ उसे विश्वकर्मा प्रजापति का एक रूप और पुत्र बताया गया है। यह सृष्टि में सृष्टा के अवतार का प्रतीक है। इसके तीन सिर मन, प्राण और वाक को प्रकट करते हैं, जिससे विश्व की सृष्टि होती है। योगी का ऊर्ध्वलिंग सृष्टा की प्रजनन शक्ति का परिचायक है। इसके आसन के नीचे बने हुए दो हिरण प्रजापति और उषा के हिरण और हरिणी के रूप में संभोग के सूचक हैं, जिसकी चर्चा मैत्राणी संहिता और ऐत्रेय ब्राह्मण में आई है। इसके दोनों ओर दिखाए गए पशुओं के चित्र ऋग्वेद में वर्णित त्वष्टा के पशुपति रूप को संभवतः प्रकट करते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली एक अन्य मुद्रा पर एक अन्य योगी का चित्र है, जिसके दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने दो नाग बैठे हैं। विद्वानों के ये मान्यता है कि नागों से गिरा हुआ योगी का यह चित्र भी भगवान शिव का है, क्योंकि भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। विद्वानों की यह मान्यता है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। इन समस्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस देवता की आकृति के पीछे विश्वरूप सृष्टिकर्ता अथवा परम पुरुष की परिकल्पना की गई है। इसी प्रकार सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान होता है कि सिंधु संस्कृति में परम नारी की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। विद्वानों का यह भी मत है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है, अतः सिंधु वासी पृथ्वी माता की प्रतीक किसी देवी की पूजा करते थे। इस देवी की पूजा समस्त कृषि प्रधान समाजों में भी प्रचलित थी। ये लोग देवी के समक्ष पशु पक्षी अथवा नर बलि देते थे और इसके बदले में वह उन्हें धन धान्य देती थी। कालांतर में मातृ देवी की उपासना से ही संभवतः शक्ति पूजा की परंपरा का विकास हुआ है।
मातृ देवी की मूर्तियां प्राय नग्न रूप में मिली है। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला तथा गले में हार प्रदर्शित किया गया है। सिर पर कुल्हाड़ी से मिलती जुलती आकृति की कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। कुछ मूर्तियों में देवी को जननी के रूप में दिखाया गया है। इन मूर्तियों में देवी तथा शिशु को स्तनपान करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति में एक ऐसी स्त्री बनी हुई है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः यह वनस्पति जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के सिर पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। संभवतः यह पक्षी जगत की देवी का प्रतीक हो। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी को समस्त लोक की जननी और पालनकर्ता मानते थे। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर दो प्याले और दीपक प्रदर्शित हैं और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी इन प्यालों में तेल या धूप जलाकर मातृ देवी अथवा पृथ्वी माता की प्रतीक किसी देवी की पूजा उपासना किया करते थे। इसी प्रकार परम पुरुष और परम नारी के साथ साथ सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत से ऐसे लिंग मिले हैं। ये सामान्यतया पत्थर, लाल पत्थर और नीले पत्थर के बने हुए हैं। ये लिंग कुछ इंच से लेकर 4 फुट की ऊंचाई तक के हैं। अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि सिंधुवासी छोटे आकार के लिंगों की पूजा अपने घरों में करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों अथवा चबूतरों पर प्रतिष्ठित करके पूजा करते थे। आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा संभवतः सिंधुवासियों की ही देन है और अर्नेस्ट मेके का तो स्पष्ट ये मत है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं समझना चाहिए। वो संभवतः कूटने पीसने के काम आने वाले औजार रहे होंगे, जैसा कि आज मूसल, लोढ़े अथवा बट्टे से लिया जाता है। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी और सीप के नीचे सीप के बने बहुत से छल्ले मिले हैं, जिनका आकार 1/2 इंच से लेकर 4 इंच तक है और इन विद्वानों ने इन छल्लों को योनियों का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है। सिंधुवासी योनि की पूजा करते थे। चूँकि आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे, अतः आज भारत में लिंग योनि पूजा की जो परंपरा देखने को मिलती है वह निसंदेह अनार्यों की ही देन है। छल्लों के बारे में मेके कहते हैं, अधिकांश छल्ले स्तंभों के आधार थे, न कि योनियों के प्रतीक। इसी प्रकार सिंधु स्थलों की खुदाई में प्राप्त अनेक मुद्राओं पर वृक्षों के चित्र मिलते हैं, जिनके आधार पर विद्वानों का ये मानना है सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीर्ष पर पीपल की 9 पत्तियां अंकित है। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी है। उसके सामने पतियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल का ये मानना है कि मुद्रा में अंकित टहनियां पीपल की है। कुछ विद्वानों का मत है कि वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। 1, वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे कि तुलसी पूजन, और 2, वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे पीपल की पूजा। ऐसा प्रतीत होता है सिंधुवासी पीपल को बड़ा पवित्र मानते थे। उनकी बहुत सी मुद्राओं पर हमें पीपल के विविध अंकन देखने को मिलते हैं। कहीं उसे वेदिका से उगता हुआ दिखाया गया है, कहीं इसके भीतर देवता को अंकित किया गया है, कहीं इनकी 5 पत्तों की टहनी और कहीं 11 पत्तों की शाखा निर्मित की गई है। एक जगह इसकी 5 टहनियों पर 7 पत्ते ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर और 1 बराबर में दिखाया गया है। कपड़ों और बर्तनों पर भी पीपल की टहनी और पत्तों के अनेक डिजाइन मिले हैं। वेदों में पीपल का पेड़ विश्व सृष्टि के प्रतीक के रूप में अंकित है। तैतृय ब्राह्मण में ब्रह्म को वृक्ष कहा गया है। भारत में पीपल को ब्रह्म का रूप समझकर ही आज तक पूजा जाता
रहा है। सिंधु सभ्यता के नगरों और ग्रामों के चौराहों और रास्तों पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ रहे होंगे, जिनकी जड़ों को स्त्री पुरुष पूजते होंगे और जल से उनको सींचते होंगे, जैसा कि आज वर्तमान में भी लगातार ऐसी परंपराएं विद्यमान हैं। पशु पूजा भी सिंधु वासियों में पर्याप्त रूप से प्रचलित थी। इसके साक्ष्य भी हमें वहाँ से प्राप्त मुहरों और मुद्राओं पर प्राप्त होते हैं। कुछ मुद्राओं पर हमें बैल के चित्र मिले हैं, खिलौनों के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो के एक ताम्र पत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया गया है। विद्वानों का ये मानना है सैंधव सभ्यता में बैल का बड़ा महत्व रहा होगा। शहरों की सड़कों पर बड़े बड़े बैल विचरते होंगे और लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन आदि देते होंगे। विद्वानों का ये अनुमान है कि बैल की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती होगी। वैदिक साहित्य में भी बैल को देवत्व का प्रतीक और पवित्र समझा गया है। बैल की भांति भैंस और भैंसा की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र अंकित मिले हैं। एक मुद्रा पर गाय की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। नाग पूजा भी सिंधु काल में प्रचलित थी। एक चबूतरे पर लेटे हुए नाग को दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विभिन्न मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट, गिलहरी, घड़ियाल, तोता, मुर्गा, मोर आदि पक्षियों के चित्र भी मिले हैं। संभव है कि ये पशु पक्षी हिंदू धर्म की भांति सैंधव धर्म में भी विभिन्न देवी देवताओं के वाहन के रूप में माने जाते रहे हों। सैंधव प्रदेश की कुछ मुद्राओं पर मनुष्य को चीते से लड़ते हुए भी दिखाया गया है। एक चित्र में वृक्ष पर चढ़ा हुआ आदमी चीते को भगा रहा है तथा भागता हुआ चीता पीछे की ओर मुंह करके देख रहा है। इन मुद्राओं से अनुमान होता है उस काल में चीते बड़ी संख्या में सिंधु सभ्यता के आसपास पाए जाते होंगे और मानवों का उनसे निरंतर संघर्ष चल रहा होगा। सैंधववासी पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु हैं, आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल, या इसी प्रकार के अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृतियां बनाते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि पूजा भी करते थे। काली बंगा के मकानों में कोयले, राख और जली हुई लकड़ियों से भरे हुए गड्ढे मिले हैं। एक चबूतरे पर एक कुआं खुदा हुआ है तथा अग्नि स्थान पर पक्की ईंटों से निर्मित एक आयताकार गड्ढा मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डियां पाई गई है। दूसरे चबूतरे पर आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ एक कतार में बनाई गई हैं। यह कोई यज्ञ भूमि प्रतीत होती है, जहाँ सामूहिक रूप से बैठकर यज्ञ करते होंगे। कुएं, हड्डियों भरे हुए गड्ढे तथा यज्ञ वेदियों के पास आसपास मिलने से अनुमान लगाया जाता है सैंधव लोग नहाकर पवित्र होने के बाद यज्ञ करते थे तथा इस अवसर पर पशु बलि दिया करते थे। कुछ मूर्तियों एवं मुद्राओं के हिस्से धुएं से काले पड़े हुए हैं। अनुमान है कि सैंधववासी पूजा में धूप दीप का भी प्रयोग करते होंगे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के दुर्ग की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है। ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसकी दीवारें मजबूत हैं। जलाशय के चारों ओर एक बरामदा है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। जल कुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों के ऊपर कमरे बने हुए हैं जिनमें संभवतः पुजारी रहते होंगे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है जिसके पानी से जलाशय को भरा जाता होगा। जलाशय को भरने और खाली करने के लिए नल बने होते थे। जलाशय के दोनों सिरों पर स्नानागार की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई है। अनुमान है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग आनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा तथा धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि अथवा स्नान ध्यान पर विशेष
ध्यान दिया जाता होगा। आज भी भारतवर्ष में ऐसे धार्मिक कर्तव्यों में ऐसे स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसा प्रतीत होता है सिंधुवासी जल को भी देवता मानकर उसकी पूजा उपासना करते थे। इसी प्रकार खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेषों पर हमें सिंह, स्तंभ और स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त होते हैं। अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है यह चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हों अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती हो। यह भी संभव है कि इन चिन्हों के माध्यम से रोग, बुरी नज़र, प्रेत आत्माओं इत्यादि को दूर भगाए जाने का विश्वास सिंधु सभ्यता के लोगों में रहा हो। कुछ मुद्राओं पर बने चित्रों में नर नारियों को सिंह धारण किए हुए दिखाया गया है। संभवतः शीश पर सिंह धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व था। इसी प्रकार स्तंभ, स्वास्तिक और धूप दीप आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा होगा। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक, शंख, मछली आदि चिन्हों को पवित्र माना जाता है। मानने बनाने की प्रथा भी इन्हीं चिन्हों के अंकन की परंपरा का ही विकास हो सकता है। इसी प्रकार मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों तथा धार्मिक चिन्हों के अंकन से निश्चित हो जाता है कि सैंधव लोग ईश्वर की सगुण साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी, किंतु ये लोग इन मूर्तियों की स्थापना एवं धार्मिक चिन्हों के अंकन के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, क्योंकि सैंधव स्थलों की खुदाई में अभी तक मंदिर जैसी कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जिस स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है उसके नीचे सैंधव वासियों का दबा हुआ मंदिर हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य एवं संगीत का भी महत्व रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी मूर्तियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि ये नारी मूर्तियां मंदिरों की उपासिकाएं रही होगी। खुदाई में प्राप्त निर्वस्त्र नृत्यांगना को विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर देवदासी प्रथा प्रचलित होने की परिकल्पना भी प्रस्तुत की है। संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रश्न करने की परिपाटी रही होगी। इसी प्रकार सैंधव लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी देते होंगे। कालीबंगा में एक चबूतरे पर 7 यज्ञ कुंडों के कतार वाले चबूतरे के निकट स्थित दूसरे चबूतरे पर खुदे कुएं के पास के गड्ढे में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिनसे प्रतीत होता है यज्ञों के समय पशु बलि दी जाती होगी। यह भी संभव है बलि देने से पशुओं को पहले स्नान भी कराया जाता हो। इसी प्रकार सैंधव स्थलों से प्राप्त बहुत सी मुद्राओं पर योगियों की मूर्तियां बनी हुई है। उनकी योगासन मुद्राओं के आधार पर यह माना जा सकता है सैंधव सभ्यता में योग साधना का भी बड़ा महत्व रहा होगा। इसी प्रकार सैंधव लोग मानव जीवन की यात्रा केवल इसी लोक तक सीमित नहीं समझते थे, इसीलिए वे सब को या तो विधि विधान पूर्वक सवाधानों में गाड़ते थे या उसे जलाकर उसकी भस्मी कलश में रख दी जाती थी। शव को गाड़ते समय या उसकी भस्मी के कलश के साथ साथ पशु पक्षी, मछली, मनके, कड़े, बर्तन आदि चीज़ें भी रखते थे। संभवतः उनका विश्वास था कि मनुष्य को दूसरे लोक में जाने पर भी इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक मृत भांड पर बकरा, गाय, बैल और कुत्ता अंकित है। इस अंकन का आशय पशु बलि से हो सकता है। कुछ मुद्राएं गंडे एवं ताबीज की तरह बनाई गई है, जो संभवतः गले में पहनी जाती होगी या भुजाओं एवं कमर पर बांधी जाती होंगी। इन ताबीजों से अनुमान होता है सैंधववासी जादू एवं टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। आधुनिक हिंदू धर्म के साथ जब सिंधु वासियों के धर्म और विश्वासों की तुलना करते हैं तो अनेक आश्चर्यजनक समानताएं इनमें देखने को मिलती है। इस आधार पर स्टुअर्ट, पिगट एवं जॉन मार्शल आदि पश्चिमी इतिहासकारों की मान्यता है कि आधुनिक हिंदू धर्म का स्रोत सिंधु घाटी ही रहा होगा। जॉन मार्शल ये लिखते हैं कि सिंधु घाटी के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं
जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती है और यह बात समस्त प्राग ऐतिहासिक धर्मों के विषय में ठीक सिद्ध होंगी, किंतु उनका धर्म इतनी विशेषता के साथ भारतीय परंपराओं और विश्वासों के साथ मिलता है कि आधुनिक युग में प्रचलित हिंदू धर्म से बड़ी कठिनाई से उसका भेद किया जा सकता है। अतः स्पष्ट रूप से हमें यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक हिंदू धर्म की विश्वास मान्यताएं और परंपराएं सिंधु धर्म, सिंधु परंपराएं और सिंधु विश्वासों के साथ बड़ी शिद्दत के साथ जुड़ी हुई थी और उनको अलग किया जाना बहुत आसान कार्य नहीं है। प्राचीन सिंधु वासियों तथा आधुनिक हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों में जो समानताएं और असमानताएं हैं वो इस साठ के माध्यम से निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है, जो विद्यार्थी उनको देखकर, उनको पढ़कर उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सिंधुकालीन धर्म के बारे में जो विश्वास पाए जाते हैं उनके बारे में हमने संक्षिप्त रूप में एक उद्बोधन देने का या बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। आगे के व्याख्यानों में हम बाकी वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो भारतवर्ष में फले फूले और भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उनके बारे में हम आने वाले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।